वापस सो गए। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ट्रेन के डब्बे में सो रहा था भाई जान, मतलब फुल ऊपर आपके भाई ने जगह पकड़ ली। मैंने बोला आज मैं यही सोऊंगा, जब सुबह रोड़ी या शक्कर आ जाए तो मुझे उठाना। भाई कहाँ पहुंचे? तो भाई असल जगह जहाँ हमें जाना है वो है पिंडी। तो बस पिंडी पहुंच के आप लोगों से मुलाकात करते हैं। तो भाई अभी गुड मॉर्निंग हुई है, सुहेर फ्रॉम व्हाट्सएप के साथ सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज हमें जाना है तारिक रोड की तरफ अपने डिजाइनर के पास अपनी शादी के कपड़े ट्राई करने। लगता है मैंने टिकट के पैसे कम दिए, ये सर पे लग रहा है दादा। तो अभी जल्दी से उठते है, फ्रेश वगैरह होते है, फिर उसके बाद जाएंगे कपड़े ट्राई करेंगे। ट्रेन में हूं ना, नीचे आ जाऊं क्या? चलो गाइस बाकी की बात हम ट्रेन से उतर के करते। चलो भाई उतरो यार बस। ओए होए टांगे सुन हो गई भाई मेरी। तो हम ऐसे उतरेंगे छुप छुप के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आया भैया आया। हाँ भाई कैसे हो? उठ गए? रात में नींद अच्छी आई? रात भर इतना शोर हो रहा, कोई ट्रेन में ना कोई दो लड़के आए हुए थे, इतना शोर कर रहे, इतना शोर कर रहे, पूरी रात सोने नहीं दिया यार। फ्लैशलाइट तो बंद कर यार। अबे पता नहीं कोई ट्रेन में आए हुए थे, एक बच्चा था आंटी का, वो भी रोए जा रहा, मैं सो ही नहीं पाया। साउंड प्रूफ करवाने थे, मैं सही हो जाए। हाँ भाई ट्रेन में नहीं आ गए, ऐसा लग रहा है हम रिक्शे में जा रहे हैं। चलो उठ गए अब तो। चलो भाई नाश्ता कराओ यार। चलो ट्रेन की कैफेटेरिया में चल के देखते हैं क्या है। ये माज लाया था रात में, काम आ गए। अरे भाई साहब ये मैंने ना सुबह सुबह कोई अच्छी सी चीज, ये तो देखे पीछे ट्रेन में नजला बह रहा है। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है मतलब इसका, आप मुझे बता सकते हैं? यार ये नजर का कमाल है, आपको नजला बोल लो। नहीं नजला नहीं, मैं मतलब कुछ ना कुछ ये है तो लिक्विड टाइप बह रहा है, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बह रहा है। अभी क्या है ये बताओ ना। ये देखने वाले भी मैं अलग नजर से देख। आप क्या, आप अपने नजर से बताओ आप क्या देखते हो? ये कुछ आपकी बुराइयां गिर रही है। भाई मैं तो सोच रहा था कि अभी सारी चीजों को लेकर हम साइड पे रखते हैं और हम बनाते हैं अपने लिए सुबह वाली चाय। नीचे से इजी हो जाएगा। नहीं 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 ब्रो, आप टेंशन नहीं लो। गैस नहीं आ रही क्या भाई? गैस नहीं आ रही भाई, गैस नहीं आ रही। नहीं आ रही भाई, नहीं आ रही गैस। तो सोचा था इतनी अच्छी चाय पिलाता यार। नहीं बादाम तो मैं खा लूंगा, लेकिन फिर भी चाय की बात अलग थी ना। मिस कर दी उन्होंने मेरे हाथ की चाय। अरे भाई मैं दो मिनट बैठ के कुछ एडिट क्या कर रहा था, हुसैन तरीन तो घर से गायब ही हो गए। मैंने कॉल की तो बता रहे मैं ऑफिस चले गया हूँ, लेकिन जाते हुए बॉय ने एक अच्छा काम कर दिया, मेरे लिए भिजवा दी चाय। तो अब हम ही पियेंगे फटाफट से चाय, फिर उसके बाद जाएंगे अपने काम पे। चाय हमने पी ली है और हम हो गए हैं रेडी, तो अब हम फटाफट से निकलते हैं। लाइटें शाइटें बंद करो भाई। चलो देखा, मुझे लग रहा था मैं कुछ भूल रहा हूँ। मुझे अब याद आया कि मैं अपना आईफोन का चार्जर अंदर ही भूल गया। अब वो चार्जर है भी टाइप सी वाला। चलो वापसी में ले लेंगे। आजा भाई आजा। ये वाली लिफ्ट जो ऐसे चलती है ना, ओए होए 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 भाई साहब, इस पे हाथ लगाते थे बचपन में, सब बोलते थे हाथ मत लगाओ हाथ कट जाएगा। तो ये हकीकत है, इससे दूर ही रहना चाहिए। सुभान अल्लाह सखर अल्लाह हाज अबा मकुना लहु मुकरिन व इन्ना इला रब्बिना लामन कलीबून। या अल्लाह पाक हम खैरियत से जाओ, खैरियत से वापस अपने घर जाएं। हेलो जी लेट्स गो। फाइनली हम लोग अपने डिजाइनर के पास पहुंच चुके हैं। ये रहा भाई हमारे डिजाइनर का आउटलेट, यहाँ पे बनेंगे आपके भाई के शादी के कपड़े। चलो भाई बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है? सर कपड़ों की क्या रिपोर्ट है मुझे ये बताएं आप। कपड़े रेडी हैं? यस। सरप्राइज वरप्राइज नहीं रखा? सरप्राइज है, थोड़ा सा सरप्राइज है। थोड़ा सा मतलब अच्छा वाला या एमी वाला? एमी वाला यार। ये नहीं बोलो यार, मेरी शादी है, एक ही दफा होती है। बताओगे ना, एक बार ही होती है, आप देख के बताओगे कि थम्स अप या नो। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, अब मेरे पास ये करने का टाइम तो है नहीं। नहीं ऐसा थम्स अप ही है। यस, अब जो भी है थम्स अप ही है इंशाल्लाह। तो चलो भाई हम वेट करते हैं अपने इस सरप्राइज का, एमी वाले का या अच्छे वाले का, ये तो अब आने के बाद ही पता चलेगा। अरे भाई साहब ये तो सोने पे सुहागा हो गया, मतलब अभी चाय पी के आए थे और फिर से चाय आ गई। जो चाय को मना करते तो भाई मैं बोलता हूँ उसमें वफा तो है ही नहीं, तो जल्दी से पीते हैं चाय। तो भाई साहब फाइनली वेट इज ओवर, हमारा इनर सूट आ गया, तो बस जल्दी से ट्राई करते हैं और फिर रेडी होके दिखाते हैं। सारी चीजों से हम लोग हो गए हैं फ्री। और भाई इतना लेट आए हो यार, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। कपड़े तो मैं आपके
उसके बाद आते हैं बिल्कुल डिजाइनर से कपड़े, मैं पूरा कपड़े उठाता हूँ उसके बाद सोचता हूँ उसके बाद बनवाता हूँ ब्रो। तो फिर भी यार आप... और जहाँ पे गाड़ी खड़ी है ना मैं वहाँ से भागता भागता आ रहा हूँ, मैंने बोला निकलना लेकिन मेरी सुनो। हाँ सुनाओ। आप एंड कर दोगे ब्रो इंशाल्लाह। अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा आप लोग के लिए एक ट्विस्ट था कि जो मैंने आप लोग को दिखाया है वो मेरा आउटफिट नहीं था, सही है, सॉरी फॉर दिस। मैं अपना रिवील क्यों करूँ ड्रेस भाई, हम पहनेंगे वो ड्रेस बारात वाले दिन ही, लोग समझ रहे हैं कि मैंने दिखा दिया भाई ड्रेस। अच्छा पहले कोई और दिखा दिया, मैंने पहना है कुछ और। लेकिन मैं आपको ये बोल सकता हूँ आप लोग ना मतलब दिल से आप देखते साहब आपके मुंह से माशाल्लाह निकलेगा और निकलना चाहिए क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। हाँ। और ये मतलब खुला बहुत प्यारा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है। तो भाई अभी जा रहे हैं हम लोग हुसैन के घर, वहाँ से ये हुडी वुडी चेंज करेगा, फिर उसके बाद हम अपने घर की तरफ रवाना होंगे। मुझे तो थोड़ा सा काम, तो मैंने हुसैन तरीन को छोड़ा उनके घर पे, अब वो वापस आने वाले हैं। आई एम वेटिंग फॉर हिम, पता नहीं क्यों इतनी देर करता है भाई। ये देखो भाई साहब ये यहाँ पे खड़े होके फ्राइज खा रहे हैं भाई। अब मैं क्या ही बोलूं, मैं कब से वेट कर रहा हूँ इस बंदे का कि अब आएगा बट नो रिस्पॉन्ड। आ जाओ भाई जल्दी आ जाओ, भूख लग रही है सुबह से कुछ, मुझे समझ नहीं आ रहा किस बात का दूल्हा बन रहा है भाई। थोड़ा अंदर से भी जान चाहिए होती है। अबे भाई काम पहले नहीं है, काम पहले सेहत पहले, अगर ज्यादा तेज सेहत देखो उसके बाद काम, क्या फायदा। और ये क्या सेहत बना रहे हो भाई फ्राइज खा के, फिलहाल कोई आसान कोई आसान। चलो भाई चलते हैं घर की तरफ और कुछ अच्छा सा खाते हैं। तो भाई साहब हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम खाएंगे बिरयानी। अब बिरयानी बोले तो वो आलू और चिकन वाले चावल नहीं होते वो, आपने खाए कभी क्या आलू और चिकन वाले चावल? मंगाओ ना जानी, मंगवाते हैं एक पाव मेरी डेढ़ पाव इनकी, क्योंकि पेट पेट की भी बात होती है ना भाई। पेट की बात नहीं होती, अब अपना ख्याल रखना शुरू करोगे तो आपका भी पेट बढ़ जाएगा। भाई जान मैं फ्रूट्स खाता हूँ पूरे दिन, मेरे साथ थे कुछ खाए ते आपके घर पे फ्रूट्स थे? नहीं ना फ्रूट्स थे मेरे घर पे, तो ड्राई फ्रूट्स मैं थोड़े थोड़े खाता हूँ, फ्रूट ज्यादा खाता हूँ। अब जैसे अनार और सारी चीजें हैं भाई, उनसे खून बनता है, हैं लोगों को ये बताना चाह रहा है कि बहुत अच्छा ये खाता पीता भाई सेहत का ख्याल रखता है। लेकिन नहीं, एक पाव एक जगह आलू चिकन और डेढ़ पाव एक जगह, डेढ़ पाव में लेग और उसमें सीने का एक। ओके ले आओ। और भाई देखते देखते हमारी बिरयानी भी आ चुकी है, तो फटाफट से इसके साथ इंसाफ करना तो बनता है। क्या बोलती है पब्लिक? आप पब्लिक हैं? बिल्कुल सही बात है। तो चलो भाई आप खाते हैं, हम चुपचाप से अपना मांस सफदर की तरह खाना। भाई साहब फाइनली इतना सुकून मिल रहा है भाई अपने घर पे आके। किन घरों में कल से निकला हुआ था, मुझे अभी आया होश, तो मैंने बोला यार कि यार अपना घर तो अपना ही होता है भाई। और भाई मेरी बहन भी घर पे आ रही है भाई, किधर से आ रही हो? मैं गई हुई थी ब्राइडल शॉवर में। किसके ब्राइडल शॉवर में? एक ही ब्राइड है, और कौन है? तो मतलब अभी रोज ब्राइडल शॉवर हो रहे हैं भाई? नहीं नहीं बस दो दिन का था, कल इंशाल्लाह इवेंट है। कल इवेंट है तो अब वो माइयों कब बैठेंगी? इवेंट के बाद। फिर मैं नहीं मिल सकता? नहीं क्यों? क्योंकि नहीं मिलते। अरे भाई इतने कम दिन रह गए, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी तैयारियां शहर है कैसे चल रही है भाई जान? मेरी सारी तैयारियां हुई हैं, बस अब तैयार होने की देर है। ओए होए होए ताली मारो, अब कुछ रहता तो नहीं है? नहीं, अभी भी रहता है तो बता दो, पैसे दे देता हूँ। एक ही बार में लूंगी गेट रुकाई बस। अबे यार नहीं करना भाई, तुम कितनी गेट रुकाई लेने वाली हो पहले तो मुझे ये बता दो थोड़ा सा। वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। अरे बता दो नहीं, नहीं, अरे बता दो ताकि मैं तुम्हें 400-500 में मैं तुम्हें देख के डन कर दूंगा। 400-500 तो कुछ हो ही नहीं रहा फिर भाई, ज्यादा ही होंगे। आप लोग बताएं इतने से बच्चों को कोई 400-500 से ज्यादा देने चाहिए या नहीं, कमेंट्स में लाजमी बताइए। अरे तो मेरा गाइस एक लौता भाई, उस पे भी मैं 400-500 लूं गेट रुकाई पे, फिर ये क्या बात हुई? सच्चा फिर जय क्या कहते हैं ऐसी फ्री में डाल दूं मैं कमरे में? मैं नहीं हो गया कोई मुर्गी या चूजा हो गया डाल दूं कमरे में? अरे भाई चलो करते हैं कुछ ना कुछ। भाई साहब घर 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 सुकून 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 भाई सुकून। ओ भाई साहब बहुत सर्दी है, क्या बोलते हो? आग वाग लगा के बैठे क्या छत पे? बाल बाल सही करूं, मैं सुबह से नोट कर रहा हूं इतने अजीब अजीब से आ रहे हैं ब्लॉग में, लेकिन फिर भी मैं बना रहा था। इतनी ठंड हो रही है ना मैं आपको क्या बताऊं, और ऊपर से आप मेरे साथ हो तो इतनी बातें जो कर रहे हो ना आप, मुझे तो और मजीद ठंड लग रही है, उसके लिए हमें लकड़ियां जलानी पड़ेंगी। क्या बोलते हो? कुछ बोलना चाहिए इस बात पे? बोलना चाहिए बिल्कुल, आप कब से इग्नोर कर रहे हैं? इग्नोर ही करूंगा ना यार। तो चलो भाई अब हम करने वाले हैं बॉनफायर। भाई बात जब बॉनफायर की हुई है तो इतना सारा स्टॉक लकड़ियों का हमारे पास पड़ा हुआ है। आग लगाने में तो आपके भाई को बहुत मजा आता है, लगा के दिखाऊं क्या? आप लोग ये देख लो, बस ना कोई पेट्रोल ना कुछ, बस ये गत्ते जलाने की देर है, फिर उसके बाद आ गया भाई आ गया। 5 minutes later मेरे मुंह पे रोशनी देख रहे हो, पता है किसकी है? ये आग की है, क्योंकि आग लग चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो ढेर सारा प्यार लाजमी दिखा देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन लाजमी दबा देना। ठीक है जी, बहुत कम दिन रह गए अब शादी में, तो अब अच्छे मजीद ब्लॉग्स आने वाले हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आग लग गई, ओए आग लग गई।